वेलकम बैक। देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज प्रोज पार्ट का ये छठा चैप्टर, सिक्स चैप्टर, चैप्टर नंबर सिक्स, जिसका नाम रॉबिन है, मैं उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आप मेरा साथ लगातार दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा वीडियो लगातार आप लोग देख रहे हैं। चलिए, उस कड़ी में आज एक और ऑब्जेक्टिव जोड़ते हैं, और रॉबिन का ऑब्जेक्टिव है ये जो चैप्टर है, रॉबिन। ठीक है, तो चलिए, ये 50 नंबर बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द राइटर पर्स रॉबिन फो, राइटर ने रॉबिन को खरीदा था। 15 रुपीज, 30 रुपीज, 60 रुपीज, 100 रुपीज, क्या होगा सही आंसर? चलिए पहले आप कर लीजिए, सही आंसर क्या है, चलिए कर लिए होंगे, अब मैं भी कर देता हूं। द राइट आंसर इज 30 रुपीज। क्वेश्चन नंबर टू, द राइटर ऑफ रॉबिन वॉज ऑल्सो ए सक्सेसफुल एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड। रॉबिन चैप्टर के जो राइटर हैं, वो एक सक्सेसफुल और बहुत अनुभवी सिंगर हैं, पेंटर हैं, हंटर हैं या फार्मर हैं? चलिए आंसर कर लिए, आप थोड़ा तेज हो जाइए, आंसर क्या होगा, हंटर। फर्स्ट नेम ऑफ रॉबिन वाज, आपको पता होगा रॉबिन का पहला नाम, प्रारंभिक नाम, रॉबिन जो कुत्ता था उसको शुरू में खरीदा था, तो उसका नाम क्या था, सेरा, पिंचा, टाइगर, तो आंसर क्या होगा, पिंचा। क्वेश्चन नंबर फोर, पिंचा इज पिंचाज फादर वाज, पिंचा के पिता थे, क्या थे, इंटेलिजेंट, वीक वन, कीन गन डॉग, पावरफुल वन, क्या होगा सही आंसर आपका, चलिए सोच लिए, हाँ चलिए अब देख लीजिए मेरा आंसर क्या है, तो आंसर होगा कीन गन डॉग था वो। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, आउंडेड एनिमल इज, एक जख्मी घायल जो है होता है, मोर स्ट्रॉन्ग ज्यादा मजबूत होता है, मोर वीक ज्यादा कमजोर होता है, मोर डेंजरस ज्यादा खतरनाक होता है, फास्ट रनर या तेज दौड़ने वाला होता है, बोलिए क्या आंसर होगा, हो गया सही आंसर इसका होगा, मोर डेंजरस होता है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रॉबिन यूज टू ट्रैक अ लिपार्ड्स और टाइगर्स, रॉबिन जो है एक लिपार्ड या टाइगर को ट्रैक करता था, क्या, फिगर को, पग मार्क को, स्मेल को, नन ऑफ दिस, कौन होगा सही आंसर, चलिए कर लिए, तो सही आंसर इसका होगा पग मार्क्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ रॉबिन इज, रॉबिन का जो मुख्य कैरेक्टर है, केंद्र बिंदु है, केंद्रीय कैरेक्टर जो है वो कौन है, रॉबिन, जिम कॉर्बेट, द टाइगर या कुली, किसके इर्द गिर्द कहानी घूम रहा है, क्या होगा सही आंसर, कर लिए, हाँ मैच कर लीजिएगा, सही ऑप्शन रॉबिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, द राइटर पिक्ड अप द पफ पेइंग फॉर इट इन ए, राइटर जो है वो कुत्ते के बच्चे को उठाते हैं पैसा दे करके, बताइए, पेइंग फॉर इट, इसके लिए चुकाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, और बोलिए तो कौन दिन में खरीदते हैं, वो ठंडा का दिन था, कोल्ड डे, सनी डे, बहुत चमकीला दिन था, हॉट इवनिंग, गर्मी का शाम था, या फिर कोल्ड मॉर्निंग, सुबह सुबह ठंड थी, क्या था, चलिए आंसर कर लिए होंगे, फटाफट थोड़ा सा क्विक हो जाइए। क्वेश्चन नंबर नाइन, द डॉग पिंचा वाज नेम्ड रॉबिन एट द नेम ऑफ ए फेथफुल, उस कुत्ता पिंचा का नाम रॉबिन रखा गया, किसके नाम पे रखा गया, डॉग के नाम पे, कैट के नाम पे, फॉक्स के नाम पे या सर्वेंट के नाम पे, तो इसके यहां एक रॉबिन नाम का सर्वेंट रहता था, उसके नाम पे रखा गया।
विच वर्ड वॉज कॉल्ड बाय रोबिन एट हिज फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ, ठीक है, विच ऑप्शन ए पिजन, बी पीकॉक, सी पी फॉल, हेन। तो रॉबिन को जब पहली बार ट्रेनिंग दिया गया था, विच वर्ड, कौन सा वर्ड को वो पकड़ा था? चलिए कर लिया आंसर। हां तो क्या था आंसर? पी फॉल। ठीक है, द स्टोरी रॉबिन इज रिटन बाय, रॉबिन स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? जेसी हिल, जिम कॉर्बेट, एजी गार्डिनर या रॉबर्ट लिम? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन नंबर 12, जिम कॉर्बेट हैज रिटन, जिम कॉर्बेट ने एक कविता लिखा है, देखिए उसी कविता, सॉरी जिम कॉर्बेट ने लिखा है गद को, कौन सा गद है वो? आंसर देखिए तो 11 वाला क्वेश्चन में रॉबिन को किसने लिखा? जिम कॉर्बेट को। इसमें क्या कह रहा है? जिम कॉर्बेट ने क्या लिखा? तो क्लियर है कि आंसर क्या होगा, रॉबिन। रॉबिन इज, रॉबिन क्या था? डॉग था, कैट था, मंकी था कि डंकी था? क्या होगा सही आंसर? आप कर लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द राइटर जिम कॉर्बेट बॉट ए, राइटर जिम कॉर्बेट ने लाया था एक, क्या? हॉर्स, कैट, पैरोट, डॉग, क्या लाया था? क्या सॉरी बॉट है जी, खरीदा, क्या खरीदा था? तो बताइए, डॉग खरीदा था। हु हेल्प द राइटर इन हंटिंग ए लिपार्ड, लिपार्ड को शिकार करने में लेखक को किसने मदद किया था? डॉग नेम रॉबिन, आ हॉर्स नेम पवन, ए कैट नेम लूसी या नान ऑफ दीज? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर क्या होगा? ए डॉग नेम रॉबिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी रॉबिन, रॉबिन कहानी का हीरो कौन है? एन एलिफेंट, अ डॉग, अ कैट या नान ऑफ दीज? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर आपका होगा अ डॉग। रॉबिन वाज एक्सपर्ट इन लोकेटिंग, रॉबिन जो था एक्सपर्ट था क्या लोकेट करने में? टाइगर को पता लगाने में, लायन, शेर को या लिपार्ड को? क्या था? आपको याद होगा ना, कर लिए होंगे आंसर। चलिए कर लिए, अब मेरा आंसर मिला लीजिए, लिपार्ड। व्हाट इज द हॉबी ऑफ जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट का हॉबी क्या था, शौक क्या था जी? क्या शौकीन, किसकी शौकीन थे वो? गार्डनिंग का, हंटिंग का या कलेक्टिंग स्टैंप्स का, बगीचा या शिकारी का? चलिए आप आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या होगा? हंटिंग का। लास्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट वाज बोर्न इन, जिम कॉर्बेट का जन्म कहां हुआ? इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका या इंग्लैंड? नाम तो लग रहा है विदेशी जैसा, जिम कॉर्बेट के जैसा, जिम कॉर्बेट जो नाम है वो इंग्लिश नाम के जैसा लग रहा है, तो इंग्लैंड होगा आंसर। आपने क्या किया? चलिए मैच कर लीजिएगा सही आंसर, राइट आंसर इज इंडिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।